हेलो दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप इन्वेस्टर को कांटेक्ट करके फंडिंग ले सकते हो आपके स्टार्टअप के लिए। बट आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि सर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए इन्वेस्टर को कॉन्टैक्ट करके, बट अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। इनफैक्ट अब तो लॉकडाउन है और सारे ऑफिसेस भी बंद है, तो कुछ लोगों को 1-2 महीने से रिप्लाई नहीं आया इन्वेस्टर का। इसलिए आज ये वीडियो में आपको मैं एक फास्ट ट्रैक फंडिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ये फास्ट ट्रैक फंडिंग प्रोसेस से आप आपके स्टार्टअप के लिए अप टू 8 करोड़ तक की सीड फंडिंग ले सकते हो। और जैसा मैंने बताया, ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, तो आपको 31 मई 2020 तक पता चल जाएगा कि आपको फंडिंग मिलने वाली है या नहीं ये फास्ट ट्रैक फंडिंग प्रोसेस से। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा ये फास्ट ट्रैक फंडिंग का, और एंड में बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ये फंडिंग के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप फंडिंग के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फास्ट ट्रैक फंडिंग की फैसिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करने वाला है उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये फैसिलिटी योरनेस्ट वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करेगा। योरनेस्ट वेंचर कैपिटल फंड एक सेबी रजिस्टर कैटेगरी AIF मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ फास्ट ट्रैक फंडिंग लेने के लिए। सबसे पहले तो ये वेंचर कैपिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना प्रीफर करता है, बट अगर आपका कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप नहीं है, अगर आप कोई दूसरे एरिया में ऑपरेट कर रहे हो जिसमें अच्छा खासा यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ये फास्ट ट्रैक फंडिंग के लिए। जो सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके पास अगर सिर्फ एक आइडिया है तो वो सफिशियंट नहीं है। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपके पास DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। जो थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। अगर पूरा प्रोडक्ट रेडी नहीं है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट MVP रेडी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता MVP क्या होता है तो मैं उस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके आइडिया की रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई पेटेंट है तो वो ऑलरेडी फाइल हुआ होना चाहिए। पेटेंट फाइलिंग पे अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मेरा ये वीडियो आप देख लो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ ये फास्ट ट्रैक फंडिंग लेने का। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फंडिंग लेने के लिए। कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अप्लाई करने का लास्ट डेट 14 मई 2020 है। एक बार आप अप्लाई कर दोगे 14 मई के बाद ये लोग सारे एप्लीकेशंस को इवेल्यूएट करेंगे, और 31 मई 2020 तक आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टार्टअप सिलेक्ट हुआ है या नहीं फंडिंग के लिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में आफ्टर द डेडलाइन आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगा या नहीं। अगर आपका स्टार्टअप सिलेक्ट होता है फंडिंग के लिए तो आपको 250,000 US डॉलर से लेके 1 मिलियन US डॉलर के बीच में सीड फंडिंग मिलेगी, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ से लेके 8 करोड़ के बीच में होता है। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ये फंडिंग के लिए। आप ये वेंचर कैपिटल के वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पाओ इसीलिए मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां पे क्लिक करके सीधा वेबसाइट पे जा सकते हो अप्लाई करने के लिए। तो ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है योरनेस्ट वेंचर कैपिटल का। जैसे मैंने आपको बताया, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके सीधा ये वेबसाइट पे आ सकते हो। ये होम पेज पे इन्होंने ये फास्ट ट्रैक फंडिंग प्रोग्राम के बारे में बताया है। ये प्रोग्राम के डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड में जो ऑप्शन दिखता होगा सोर, वहाँ पे आप क्लिक कर दो। तो अब ये फास्ट ट्रैक फंडिंग प्रोग्राम का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी ये प्रोग्राम के रिलेटेड। मैक्सिमम डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, बट अगर आपको और कुछ जानना है तो रीड कर सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेनिफिट्स ये इम्पोर्टेंट है, फंडिंग का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फंडिंग के साथ साथ और भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप यहाँ से देख लो रीड करके। उसके बाद प्रोसेस मैंने बता दिया, ये इकोसिस्टम पार्टनर्स है ये प्रोग्राम के, और यहाँ पे FAQs है अगर आपको कुछ डाउट है तो। और अगर आपका डाउट है
कुछ, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो इनको। अगर कुछ और भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप यहाँ पे वो क्वेरी सेंड कर सकते हो आपकी। उसके बाद ये पूरा डिटेल्स पढ़ लेने के बाद अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सोर ऑप्शन के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दो तो अब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन है जो आपको फिल करना है फास्ट ट्रैक फंडिंग के लिए। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स आप फिलअप कर दो और सबमिट कर दो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे ये फास्ट ट्रैक फंडिंग प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप पूरा प्रोसीजर समझ चुके हो अप्लाई करने का। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।